जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का 15th मैच के बारे में। और टाइमिंग की बात किया जाए तो ये जो मैच आपको 1:30 बजे खेला जाएंगे और ये मैच आपको इंडिया अंडर 19 वर्सेस आयरलैंड अंडर 19 के बीच में खेला जाएंगे। भाई दोनों टीम के लिए मैच काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत यहाँ पर लास्ट मैच ऑलरेडी जीत के आ रहा है भाई बांग्लादेश अंडर 19 के खिलाफ, और आयरलैंड अंडर 19 देखा जाए तो लास्ट मैच हार के आ रहा है भाई बांग्लादेश अंडर 19 के खिलाफ। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा भाई, यहाँ पर विकेट कीपर में किसको लेना चाहिए और बैटिंग डिपार्टमेंट में कितने बैट्समैन तक सही रहने वाले हैं, और ऑलराउंडर्स में यहाँ पर रन्स बनाने वाले प्लेयर्स कौन है और यहाँ पर विकेट टेकिंग करने वाले प्लेयर कौन है भाई, ये भी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। और गेंदबाजी में इकोनॉमी वाइज बॉलर कौन है भाई और कितने बॉलर्स तक लेंगे तो आपको एक अच्छा टीम बनेगा भाई, ये सारा जानकारी आपको मैं इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पहले बार देख रहे हो, पहले बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, इसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो भाई। एक और बात है, फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जिल लिंक अगर ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आप इस प्रकार सर्च कर लेना भाई, @shatrughan225 यहाँ पर आपको शो हो रहा है तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। आपको इसी प्रकार टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, तो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा, वहीं पर आपको सारे अपडेट दिया जाते हैं। तो चलिए भाई आप लेट नहीं करते, कौन कौन सा विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर बॉलर्स को कंफर्म करेंगे ये सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 विकेट कीपर है भाई, यहाँ पर कैरी, यहाँ पर कियान हिल्टन है भाई, उसके बाद रैन डेविड हंटर और यहाँ पर आरावेली अविनाश राव है। तो यहाँ पर आप महाजन को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा विकेट कीपर बेस्ट है? तो भाई यहाँ पर आयरलैंड अंडर 19 ऑलरेडी 2 मैचेस खेल के आ रहे हैं भाई, और यहाँ पर आरावेली अविनाश राव यहाँ पर एक ही मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट्स के हिसाब से मत जाना, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली थिंक कर रहा हूँ भाई। आरावेली अविनाश राव यहाँ पर काफी बढ़िया पिक है भाई विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हमने विकेट कीपर पे आरावेली अविनाश राव को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। और बैटिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए भाई यहाँ पर गैविन रॉल्स्टन है भाई, यहाँ पर एक अच्छा प्ले पिक है आयरलैंड अंडर 19 के लिए। उसके बाद यहाँ पर आदर्श सिंह आप इनको ले सकते हो। उसके बाद उदय प्रताप सहारण काफी बढ़िया पिक है भाई, इंडिया अंडर 19 का कप्तान भी है तो इनको आप ले सकते हो। टिलिप ली रॉक्स है भाई यहाँ पर, इनको चाहिए तो आप ले सकते हो भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जॉन मैकनली है भाई यहाँ पर, आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हो भाई। उसके बाद सचिन दास है। तो इन 6 में से कौन से प्लेयर को ट्राई करेंगे तो हमारा टीम स्ट्रांग बनेगा भाई, ये जानकारी आपको मैं बताऊंगा। आदर्श सिंह और उदय प्रताप सहारण ये दोनों मेरे टीम पे रहेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको मैकनली काफी बढ़िया पिक है भाई, लास्ट मैच में भी अच्छे खेले तो इनको मैं पिक कर रहा हूँ। तब देख सकते हो भाई यहाँ पर मैंने 1 विकेट कीपर और इसके साथ साथ 3 बल्लेबाज को यहाँ पर मैंने कंफर्म किया, लेकिन अभी भी यहाँ पर हम लोग को ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को पिक करना है। लेकिन इन दोनों को पिक करने से पहले भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना @shatrughan225। अगर आप इस प्रकार सर्च करते हो भाई तो मेरे चैनल हो जाएगा, यहाँ पर आपको सारे अपडेट दिया जाएगा भाई। यहाँ पर हम लोग कबड्डी क्रिकेट सब कुछ कवर कर रहे हैं, प्रो कबड्डी भी हम लोग कवर कर रहे हैं भाई। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बिग बॉस लीग का आज फाइनल मैच है भाई, वो खत्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको PSL और वुमेन्स प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होगा भाई बहुत जल्द 17 तारीख से, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे भाई। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हम लोग कवर कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स T20 लीग भी हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगा भाई, बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई A to Z सारे अपडेट्स मिलेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो पहला टेस्ट मैच है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ भाई। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो सेकंड टेस्ट मैच है वो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, अभी तक जाके नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए भाई यहाँ पर अभी हम आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा ऑलराउंडर्स और बॉलर्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अर्शिन कुलकर्णी है भाई, ये काफी बढ़िया पिक है। उसके बाद मुस्बिर खान है भाई, इनको आप चाहे तो ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कार्सन मैकलो है भाई, यहाँ पर आप इनको टीम पे ले लीजिए। उसके बाद जॉर्डन नाइट है भाई, इनको चाहे तो आप ले सकते हो भाई। उसके बाद प्रियांशु मोरिया है, इनको मैं टीम पे लूंगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्कॉट मैकबेट है भाई, इन 4 ऑलराउंडर्स को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये 4 ऑलराउंडर्स को यहाँ पर मैंने पिक कर लिया, तो आपको टीम पे भी नजर आ रहा है भाई यहाँ पर अर्शिन कुलकर्णी और कार्सन मैकलो और यहाँ पर प्रियांशु मोरिया और इसके साथ साथ कौन स्कॉट मैकबेट है भाई। तो अभी आपको मैं बताऊंगा गेंदबाजी में किसको लेना चाहिए। तो राज लिंबानी काफी बढ़िया पिक है भाई, और यहाँ पर आपको सौम्या पांडे आप इनको ले सकते हो भाई। उसके बाद अभिषेक मुर्गन और नमन तिवारी है, तो नमन तिवारी काफी बढ़िया बॉलर है भाई, भले लास्ट मैच में इनको खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए लेकिन आप इनको टीम पे ले सकते हो भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो रैन
विल्सन है भाई, आप इनको ले लीजिए, मैथ्यू वेल्डन है और ओलिवर रिली है। तो यहाँ पर मैं ओलिवर रिली को यहाँ पर मैं टीम पे ले रहा हूँ। तो ये जो टीम है भाई काफी सेफ टीम है, तो आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा टीम बना के अभी मैं दिखाऊंगा। और वो जो टीम रहेगा भाई बॉलिंग टीम रहने वाले, तो आपको मैं बताऊंगा कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको आदर्श सिंह काफी बढ़िया पिक है भाई कैप्टन के लिए। और वाइस कैप्टन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लेयर है, तो यहाँ पर मैं सौम्य पांडे को यहाँ पर मैं कंफर्म करूंगा भाई, काफी बढ़िया पिक है, आपको एक अच्छे विकेट्स लेके ये देने वाले हैं। तो एक बार टीम अच्छे से देख लेना भाई। यहाँ पर आरावली अविनाश राव यहाँ पर विकेट कीपिंग पे है। उसके बाद तीन बल्लेबाज है भाई यहाँ पर, आदर्श सिंह, उदय प्रताप शाहर है, और यहाँ पर आपको मैकनली है भाई जॉन। उसके बाद यहाँ पर अर्जुन कुलकर्णी, कार्सन मैकलो, प्रियांशु मौर्या और स्कॉट मैकबेट है भाई। और गेंदबाजी में राज लिम्बानी, सौम्य पांडे और यहाँ पर ओलिवर रिली है। तो वाइस कैप्टन पे यहाँ पर आपको सौम्य पांडे और यहाँ पर आदर्श सिंह है भाई कैप्टन वाइस कैप्टन पे। लेकिन आपको मैं एक और टीम बना के दिखाऊंगा भाई, इससे क्या होगा आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जो मैं टीम बनाऊंगा भाई, ये जो टीम है आपको मैं बताने वाला हूँ, ये टीम बॉलिंग टीम रहेगा भाई। तो यहाँ पर आपको जानना है क्यों बॉलिंग टीम मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर फेस बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलने वाला है भाई, तो फेस बॉलर्स पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पर फेस बॉलर स्पिनर्स दोनों रहने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर राज लिम्बानी भले लास्ट मैच में फ्लॉप है, इनको मैं टीम पे ले रहा हूँ भाई। उसके बाद अभिषेक मुर्गन, नमन तिवारी को ले रहा हूँ। सौम्य पांडे को मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रैन विल्सन है भाई, रैन विल्सन काफी बढ़िया पिक है। ओलिवर रिली को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई, और धनुष गौड़ा लास्ट मैच में नहीं खेले तो इसलिए मैं आउट करूंगा भाई। तो यहाँ पर आप सौम्य पांडे को आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अर्जुन कुलकर्णी, मुसीर खान और कोन मैकोलो है भाई यहाँ पर, कार्सन मैकोलो। तो यहाँ पर आपको किसको लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपको स्कॉट मैकबेट काफी बढ़िया पिक है भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कार्सन मैकोलो, इनको भी मैं टीम पे ले रहा हूँ, और मुसीर खान को यहाँ पे भी मैं कंफर्म कर चुका हूँ। उसके बाद अगर बल्लेबाजी देखा जाए तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज आदर्श सिंह, उदय प्रताप सहारण, ये दोनों रहेंगे भाई मेरे टीम पे। तो यहाँ पर दो बल्लेबाज को मैंने कंफर्म किया। और विकेट कीपिंग पे देखा जाए तो यहाँ पर रैन डेविड हंटर को यहाँ पर मैंने कंफर्म किया भाई, ये काफी बढ़िया पिक रहने वाला है। तो अभी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए डाउट आपको जरूर आएगा भाई। तो यहाँ पर मैं उदय प्रताप सहारण को यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा हूँ भाई कैप्टन पे। और वाइस कैप्टन पे देखा जाए भाई यहाँ पर काफी प्लेयर्स है, लेकिन यहाँ पर ओलिवर रिली को यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन पे ले रहा हूँ। तो ये जो टीम है भाई, अब एक बार टीम अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग पे डेविड हंटर है भाई, यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रैन आदर्श सिंह, उदय प्रताप है भाई यहाँ पर। उसके बाद मुसीर खान, कार्सन मैकेलो और यहाँ पर स्कॉट मैकबेट है। और गेंदबाजी में राज लिम्बानी, नमन तिवारी और सौम्य पांडे और रैन विल्सन और ओलिवर रिली है। तो ओलिवर रिली को यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन और यहाँ पर उदय प्रताप सहारण को मैंने कैप्टन दिया। तो यहाँ पर आपको काफी प्लेयर्स है भाई, नमन तिवारी और यहाँ पर राज लिम्बानी भी काफी बढ़िया पिक है भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, आप इनको ले सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्कॉट मैकबेट है भाई और आदर्श सिंह और यहाँ पर डेविड हंटर को भी आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो पहले भाई मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये भी जो टीम है पहले इस टीम को सेव करके रख लेना। ये दोनों टीम मिलाकर आपको बेस्ट टीम मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट जो मैच है उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।